start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. एटमी सासों का तहफ्फुज, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप नाजरीन से मुद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। इसके साथ साथ चैनल पर आने वाले मौजूद नाजरीन से मुद्दबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मौजूद नाजरीन, एटमी हथियारों को महफूज करने वाले ममालिक की दर्जा बंदी में पाकिस्तान की पोजीशन में नमाया बेहतरी हुई है। सबसे ज्यादा मौसर इकदामात पर अमरीकी अदारे ने पाकिस्तान की दर्जा बंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। NTI इंडेक्स के मुताबिक एटमी असासों के तहफ्फुज से मुतलिक पाकिस्तान के इकदामात ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट्स हासिल किए। नाज़रीने किराम, तंसीबात के तहफ्फुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स के मुकाबले में पाकिस्तान के 58 पॉइंट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने +25 पॉइंट हासिल किए हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। नए ज़वाबित लागू करके पाकिस्तान ने ज्यादातर इकदाम सिक्योरिटी और कंट्रोल से मुतल्लिक किए। दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने सिक्योरिटी एंड कंट्रोल कैटेगरी में खुद को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया है। नाज़रीन किराम, अमेरिका की साबका सफीर और तख़फीफ असला से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस की मुस्तकिल मंदूब लारा कैनेडी ने NTI इंडेक्स में पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट का खैर मुकदम किया, जबकि अमेरिका में पाकिस्तान सफीर असद मजीद खान ने रिपोर्ट को खुश आइंदा करार दे दिया। नाज़रीन किराम, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।